शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंद्रपुर में एक नरभक्षी बाघ ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद उस नरभक्षी बाघ को नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में लाया गया। महाराज बाघ में इकलौती बाघिन है। यदि महाराज बाघ में बाघ को लाया जाता है तो बाघिन को उसका जोड़ीदार मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले चंद्रपुर में एक बाघ ने 5 लोगों को अपना निवाला बनाया, जिसके चलते पूरे चंद्रपुर में दहशत का माहौल व्याप्त था और खलबली मची हुई थी। 5 लोगों की जान लेने वाले इस नरभक्षी बाघ को आखिरकार नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू केंद्र में लाया गया और आज के तारीख में नरभक्षी बाघ यहीं पे है। तो वहीं महाराज बाग में इकलौती बाघिन है। नरभक्षी बाघ को आखिरकार कहां ले जाएगा ये बताना भले ही संभव नहीं है, लेकिन महाराज बाग के प्राणी संग्रहालय नियंत्रक देवानंद पंचभाई इन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक पत्र लिखकर उस नरभक्षी बाघ को महाराज बाग में लाने की सिफारिश की है, क्योंकि महाराज बाग में एक बाघिन है। यदि नरभक्षी बाघ अगर महाराज बाग में आ जाता है तो उस बाघिन को एक जोड़ीदार मिलेगा, से महाराज बाग में फिर दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। नागपुर के गोरेवाड़ा के रेस्क्यू केंद्र में नरभक्षी बाघ काफी खतरनाक बाघ है, जिसने अब तक के 5 लोगों की जान ले ली है। यदि महाराज बाग में ये बाघ आता है तो लोगों का मनोरंजन किस प्रकार से होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। आखिरकार इस नरभक्षी बाघ का पूरे महाराष्ट्र में कहां स्थलांतर होगा ये कहना अभी भी, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से प्रक्रिया का काम शुरू हो चुका है। देवानंद पंचभाई इन्होंने पत्र लिखकर इस और प्रधान मुख्य वन संरक्षक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस विषय को लेकर जब हमने देवानंद पंचभाई इनसे बात की तो उन्होंने फोनों के जरिए इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस फोनों के माध्यम से। दर्शकों नमस्कार, इस समय में हमारे साथ में प्राणी संग्रहालय नियंत्रक महाराज बाग के देवानंद पंचभाई सर है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो नरभक्षी जो बाघ है क्या उसको महाराज बाग में उसे लाया जाएगा या महाराष्ट्र के किसी अन्य जू सेंटर में उसे भेजा जाएगा। इस समय में हमारे साथ में फोन लाइन पे भी मौजूद है देवानंद सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? पंचभाई साहब, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो पहल की गई है, मुझे आपके द्वारा एक पत्र दिया गया था प्रधान मुख्य वन संरक्षक को कि वो जो नरभक्षी बाघ है उसको महाराज बाग में लाया जाए, इस बारे में क्या जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्या जानकारी दे रहे हो सर? हमारे है ना, तो उसमें से एक फीमेल टाइग्रेस है, तो अपने को पेरेंट्स से उसको मेल टाइगर होना था, इसलिए हमने एक रिक्वेस्ट लेटर हमने भेजा है जो मुख्य वन संरक्षक साहब जो है नागपुर में, हमने रिक्वेस्ट लेटर भेजा है। हमें काफी दिनों से प्रयास में है कि हमारे यहाँ एक मेल टाइगर होना है, और इसलिए हमने एक ऑलरेडी लेटर दिया है, हमने रिक्वेस्ट भी की है। इसके पहले हम उनको मिले भी, पर्सनली जाके भी मिला हमें कि जो मेल टाइगर, वो मेल टाइगर हमारे महाराज बाग में होना है, इससे हमने हमारी कोशिश जारी है। वो अगर मिलता है तो हमारे नागपुर वासियों के लिए भी सही मायने में एक मेल टाइगर मिलेगा। और मेन बात है जो पेयरिंग का जो इशू, जू में हर एनिमल को एक पेयरिंग भी होना चाहिए, तो वो भी हमारा एक इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, काफी अच्छी पहल आपने किया, लेकिन सर आपको लगता है कि जिस तरह से आपने जो एक पत्र व्यवहार कर उस नरभक्षी बाघ को महाराज बाग लाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हो, क्या आपकी यह जो कोशिश है ये कामयाब हो पाएगी? हमारी तो पूरी उम्मीद है कि 100% हमारे जो अपेक्षा है या हमको मिलेगा वो, तो हमने इसके पहले भी उनको रिक्वेस्ट किए थे हमारे मुख्य वन संरक्षक साहब जो है, और अभी भी जो भी जो टाइगर है मेल टाइगर वो यहाँ आया करके हमको पता चला, इसलिए हमने तुरंत एक रिक्वेस्ट लेटर दिए, अगर वो मिल गया तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी महाराज बाग के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंचभाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्राणी संग्रहालय नियंत्रण महाराज बाग के देवानंद पंचभाई, जो एक अधिकारी है, और उन्होंने ये बातचीत करते हुए इस दौरान ये बताया कि किस तरह से उन्होंने पत्र व्यवहार किया है ताकि महाराज बाग में ऑलरेडी एक बाघिन है, अगर उसको ये नरभक्षी बाघ यदि मिल जाता है, ये बाघ मिलने से काफी अच्छे उनका जो जोड़ीदार उसे मिल जाएगा, और जिसके चलते नागपुर शहर के जो दर्शक लोग हैं उन्हें देखने के लिए भी खूब मजा आएगा, और जिससे महाराज बाग जू ये अन्य बातों के लिए जिस तरह से इसकी विशेषताएं जो लोग इसको जानते हैं, और हो सकता है कि जब
मेल फीमेल यानी बाघ और बाघिन का जोड़ा अगर वहां दिखेगा तो दर्शक भी बड़ी संख्या में वहां पे मौजूद होगी और दर्शक भी इसका लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि पंचबाई द्वारा दिए गए इस पत्रों को आखिरकार क्या सकारात्मक सोच के साथ में इसके ऊपर में अमल बजानी की जाएगी या फिर ढाक के तीन पांच जैसा काम होगा। कहने का तात्पर्य है कि उस बाघ को क्या अन्य किसी जू सेंटर में महाराष्ट्र में तमाम ऐसे जू सेंटर से क्या वहां भेजा जाएगा, अब ये देखने वाली बात होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंचभाई साहब, जिस प्रकार से आपने फोन लाइन से हमसे बातचीत की, धन्यवाद।